प्रश्न उभर जाएगा एकदम संक्षिप्त में ये शो के बारे में। हमारे ये शो के हीरो शम्स राठौर राठौर बताएंगे। शो क्या है इनसे स्टार्ट करते हैं। हाँ शम्स जी बताइए। हाँ मैं गली बॉय के बताइए क्या है। मेरा नाम है शम्स तबेज राठौर और मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जितने भी रियलिटी शो है उनमें कितनी रियलिटी है? और उसी के साथ मैं एक क्रिकेट प्लेयर हूँ और जब एक क्रिकेट का बल्ला उठता है तब लाखों लोगों की सांसें रुक जाती है और यही होती है उन क्रिकेटर्स की रियलिटी। ये रियलिटी है मतलब ये रियलिटी है। बाकी इस शो में या आगे जो भी शो हो रहा है इतने सारे रियलिटी इनमें क्या है वो जानना चाहता आप लोग से, क्योंकि आप लोग बहुत सारी जगह जाते हैं और आप उसको बता सकते हैं समझा सकते हैं। इसके बाद जो भी सवाल है आपके वो आप कीजिए। शो में पहले ये शो के बारे में जानना चाहेंगे, शो की खासियत क्या है? ये शो की खासियत है कि इसमें कोई ऑडिशन नहीं होगा। खड़े होकर बताइए कैसे प्लान आउट किया है ये, क्या है ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो सिर्फ 3 दिन का रहेगा जिसमें कि ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। पहले दिन पे रहेगा पूल पार्टी और दूसरे दिन पे रहेगा पैराडाउन और तीसरे दिन पे रहेगा रैंप। ये शो का आइडिया आपको आया कहाँ से? मम्मी डैडी ने कैसे पैरेंट फेस्टिवल में हम लोग को पार्टिसिपेट कराया था जहाँ से हम लोग ये डिसीजन लेकर आए। तो आपके दिमाग में यही क्यों आया कि हम ये टैलेंट शो करेंगे? ये टैलेंट शो में हम लोग को दिखा कि उधर सबका टैलेंट दिखा ही है। तो आपके शो में ऐसी क्या खासियत है कि जो बच्चे आए पार्टिसिपेट करें, मतलब क्या क्या होने वाला है उसमें? उसमें पहले दिन पे पूल पार्टी, दूसरे दिन पे टैलेंट राउंड और तीसरे दिन पे रैंप वॉकिंग। तो इसका फिनाले कहाँ होने वाला है? इसका फिनाले होने वाला है बजेश्वरी में और वो बताएंगे वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और वो बताएंगे कि संस के साथ उनको कैसा लगा है और वो कैसा यहाँ आके महसूस कर रहे हैं शो के बारे में वो भी बताएंगे। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे आके। एंड जो आप लोग कर रहे हो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ऐसा रियलिटी शो मैंने कभी नहीं देखा है, सो दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले जिस भी है ये जो आपने काफ़ी ट्रेन किया होगा तो कुछ आप बताइए, सबसे पहले बच्चे अपना बताइए आप। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है इसकी रचना जो है ना इन्होंने हमें समझा है। ये बच्चे लोग जो है गोवा में किसी ICF शो में पार्टिसिपेट करने गए थे। वहाँ पर जब ये शो में जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे इनको हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये मौका नहीं था कि हमको भी जाने को अंदर मिले। तो इन्होंने वो शो में पार्टिसिपेट करके आने के बाद इनके मम्मी पापा से बताया, जैसे हमारे प्रिया मैडम है, ये प्रिया मैडम है, इनके ये दो बच्चों ने अपने मम्मी को बताया कि मम्मी क्यों ना हम लोग को ऐसा शो करें जिसमें हर किसी को मौका मिले, खास करके उन लोगों को जिनको ऐसे अवसर कभी प्रदान नहीं हुए। गली के बच्चे, अब गलियों के अंदर महल भी होते हैं, गलियों में फ्लैट्स भी होते हैं, गलियों में झोपड़े भी होते हैं और गलियों में फुटपाथ में सोने वाले बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जिनका टैलेंट हम निकालेंगे, ये इन दो बच्चों की भावना थी। जैसे कि लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रेस क्लब में, आप उसके बाद से आप लोगों को क्या रेस्पॉन्स मिला है और आपने आगे की क्या प्लानिंग की, क्योंकि 10 नवंबर को फिनाले है तो आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग की तरफ से पूरी तैयारी हो गई है। मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जयपुर में किए, अजमेर में किए, सूरत में किए और आज यहाँ पर किए। अब हम लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि हम लोग अगले महीने में इस महीने की 8, 9, 10 को ये शो अरेंज कर रहे हैं। कितने कंटेस्टेंट ने किया है अप्लाई कुछ आप बताना चाहेंगे? अभी तक डिसाइडिंग हुआ है लेकिन 20 तो कंफर्म है। 20 कंटेस्टेंट कंफर्म है। तो इनकी ग्रूमिंग कैसी की जाएगी वो थोड़ा इसीलिए तो हम 3 दिन के लिए मान, मेरा जैसे बच्चे ने बताया, शर्म सर्विस ने बताया
कि तीन दिन का शो है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, पहले दिन में बच्चों को कैसा ट्रेन करेंगे, सेकंड दिन में क्या करेंगे और फिनाले के दिन हमको क्या करेंगे। सर आप बताइए कि किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग हर जगह गए हैं, अलग अलग सिटी में गए, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बताइए, कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है सामने से, और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं उससे हम लोग बहुत खुश हैं। ओके, तैयारी आप लोगों ने कोई प्लानिंग की होगी 8, 9, 10 के लिए, वो थोड़ा सा अगर आप दोनों बता सके तो, आप दोनों बता सके तो प्लानिंग क्या है? दस तारीख को जब आप वहाँ रहेंगे तो आपको सारी प्लानिंग भी और सारी चीजें वहाँ सामने आ जाएंगी ना, उसमें हम इस बता के और लोगों को क्यों पता है? नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ तो चाहिए। ये तो ऐसा है ना कि हमारे पास जो है अलग अलग फैकल्टी के एक्सपर्ट्स आएंगे, कोरियोग्राफर होंगे, फिटनेस एक्सपर्ट होंगे, इसके बाद में टैलेंट बूस्ट करने वाले सेक्रेटरीज लोग होंगे, तो वो पार्टिसिपेंट्स को जो है ना 2 दिनों के अंदर ट्रेन करेंगे, ग्रूम करेंगे, दे विल बी ग्रूम एंड ऑन द फाइनल डे दे विल पुट अप इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। आज सर शो में क्या क्या होने वाला, रैंप वॉक होगा, जो 20 कंटेस्टेंट है वो कौन सी एज के है या वो आप बताना? आज रीवा जी आई थी, बड़ी स्टार है टेलीविजन, स्टार आपको सपोर्ट कर रही है टेलीविजन। हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज रीवा जी हम लोग के साथ है, सपोर्ट के लिए। हमारे सौभाग्य की बात है कि आज रीवा जी ने जो है ना हमारे यहाँ पर आकर के शोभा में भी उनकी की है। प्रिया जी आप यार वेरी मच थैंकफुल टू आर बहुत बहुत बस हम लोगों को आपका सपोर्ट चाहिए ऐसे ही जिस तरीके से अभी तक आप लोग करते आए हैं, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं। मैडम आप बताइए किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, आप अलग अलग जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला गली गाइस को, कुछ आप बताना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया में इसकी बात हुई होगी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक। 20 जो भी है पार्टिसिपेट रहेंगे वो फाइनल रहेंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। ओके, जो नए हैं वो आपने भी इसी तरह की सोशल मीडिया के द्वारा आपने शुरुआत की थी, आपने एक्टिंग किया, आपको इतना बड़ा नाम मिला है तो क्या कहना चाहिए आज के लिए? मैं कहना चाहूँगी जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो एंड बस आपको सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहे एंड देखना दिस शो विल बी अ ब्लास्ट। तो क्या हम आपको फिनाले में रैंप वॉक करते हुए देख पाएंगे वहाँ पर? नहीं, कोशिश करेंगे, ये एक मिस्ट्री है, वो देखते हैं। ओके, जैसे कि हम फैशन शो की अगर हम बात करें तो आप भी काफ़ी फैशन करती है, हर कौन से आपके फैशन कुछ आप बताना चाहिए, टिप्स कुछ देना चाहिए फैशन को लेके? फैशन को लेके टिप्स आई डोंट नो, वैसे तो मुझे जैसा यू नो हाउ डू आई से दिस लाइक जो आपको देख के लगता है ना, जैसे मैं कॉस्ट्यूम जब पिक करती हूँ अपने लिए तो जो मुझे देख के लगता है ना कि अगर ये मैं पहनूंगी तो ऐसा लगेगा कि यस रीवा ऐसे ही कपड़े पहनती है, तो वो फील होना चाहिए कि यू नो यू आर वेरी मैम। मैम आप लोगों ने सिटी में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद जब सोशल मीडिया पर या जानकारी आई होगी गली गाइस किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और जी मेरे को तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मीडिया का, और मैं तो हमेशा बचपन से ही 17 साल की एज से मैं बाहर जाती हूँ और मैं सोशल वर्कर रह चुकी हूँ है ना, और मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ है ना, पर आज मेरे बेटे के थ्रू मैं जा रही हूँ, बेटे के लिए मैं इस मंच पे बैठ रही हूँ, उससे ज़्यादा खुशी आप उस चीज़ का आप एहसास कीजिए कि आपका बेटा अगर ऐसे जगह पर आपको ले जाके बैठा लेगा तो क्या लगेगा, उसकी एहसास आप खुद कर लीजिए, बताने की ज़रूरत ही नहीं हुआ। और रीवा जी साथ में बैठी है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये सबसे अच्छा मेरे को आज यहाँ पे लगा है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छा आज मेरे को यहाँ पे लगा कि बेटी मेरे साथ बैठी है आके। ओके, आप क्रिकेट भी ज्यादा खेल, आप क्रिकेट करते हैं इन दिनों दे इंडिया का न्यूजीलैंड से जी, वो अपने आप को धोनी समझता है, धोनी समझता है, तो कुछ आप धोनी आप समझते हैं? अगर धोनी जी उसको एक बार आके मिल जाए तो वो पता नहीं क्या करेगा।
गेम है, गेम में तो होते रहता है। तो आप कुछ कहना चाहिए, कुछ एक सलाह आप देना, कल का मैच आपने देखा होगा, तो ऐसा क्या आपको लगता है जो गलती हुई इंडिया टीम से, कुछ आप कहना चाहेंगे? कुछ आप सलाह देना चाहेंगे विराट कोहली को? अगर हम बात करें वहाँ पे जजेस होने वाले हैं, तो जजेस में किन सेलिब्रिटीज को आप बुलाएंगे? जजेस के लिए हमारे वसीम भाई बताएंगे आपको, हमारे वसीम भाई आपको बताएंगे। वसीम भाई आइए, बताइए आपको जजेस कौन कौन से आ रहे हैं आपके साथ। आप लोग के लिए सरप्राइज है, सरप्राइज है, बातचीत चल रही है। दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए कुछ शुभकामनाएं? दिवाली के लिए हम सभी को बधाई देना चाहेंगे, हैप्पी दिवाली सभी के लिए हम लोग की तरफ से। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सबको, हैप्पी दिवाली गली गाइस की तरफ से। हैप्पी दिवाली, गली गाइस की तरफ से हैप्पी दिवाली आप सभी को और सभी पत्रकार भाइयों। एक्सक्यूज मी भाभी, हेलो 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 हेलो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, सेंटर देखिए, सेंटर इधर देखिए, आपका वजन पता।